ग्राम बिशनपुरा खंडिया आश्रम का मैंने 15/8/2012 को पीने के पानी की समस्या के ऊपर अतिरिक्त हैंडपंप की मांग हेतु एक समस्या वीडियो बनाया था। आदिवासी कन्या आश्रम ग्राम बिशनपुरा खंडिया में कक्षा 1 से 5 तक के 50 बालिकाएं अध्ययन कर रही हैं, जिसमें मेरी बेटी भी अध्ययन कर रही है। और जब से वह इस आश्रम में आई है, तभी से वह खुजली रोग एवं बुखार से ग्रसित हो गई है। इस वजह से मैंने जब आश्रम में जाकर देखा तो पानी को दूषित होना पाया। फिर मैंने पालक संघ की बैठक में स्वच्छता एवं पानी के मुद्दे को लेकर बात की, परंतु किसी ने भी इन विषयों पर ध्यान नहीं दिया। मेरे फोड़ा शरीर खुजलाती थी। इलाज के लिए मैडम डॉक्टर को नहीं बुलाया? नहीं बुलवाया इलाज के लिए मैडम जी। तो हमारे पापा आए थे तो दवाई करवा के ले गई थी। फिर यहाँ पे नंतु मेरी भर नहीं सब लड़कियों के हैं। लैट्रिन बाथरूम में बहुत गंदगी रहती है, बीमारी फैलते हैं और लड़कियों बीमार पड़ते हैं और फोड़ा फूसी होते हैं हाथ पैरों में। और 6 मई 2014 को यहाँ पर बदलाव आया। ये वीडियो मैंने सरोज परस्ती जी के माध्यम से देखा था और सरोज परस्ती जी से इस विषय पर चर्चा की और उनके द्वारा इस मुद्दे को हल करने के लिए मुझसे बातचीत की गई। तो मैं फिर उनको अपने क्षेत्र की कुंडम क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य श्रीमती जमुना मरावी जी के पास ले गया और सरोज जी की उनसे चर्चा कराई और इस मुद्दे पर चर्चा की और उनसे इस मुद्दे को हल करने के लिए पहल करने की बात की। गए खंडिया आश्रम तो वाकई में वहाँ समस्या थी पानी की। फिर वहाँ संस्था में काम करती सरोज परस्ती जी, उससे हमने मिला, फिर बात किया, फिर वहाँ प्रकल्प तैयार करवाया गया, फिर सीओ को उन्हें मार्क करवाए, फिर जिला अधिकारी डायरेक्टर से मिले, उससे हमने सेंक्शन करवाया, फिर एसडीओ से मिले। मुझे सरोज परस्ते मैडम का फोन आया, उसके उपरांत मैंने ललित कंजा उपयंती के साथ छात्रावास का निरीक्षण किया। उसकी समस्या के लिए पुनः उसका प्रस्ताव लेके छात्रावास से उसका एस्टीमेट बना के वरिष्ठ कार्यालय को नवीन नलकूप खनन हेतु भेजा जाएगा। हम लोग वीडियो बनाए हो, जब से यहाँ बहुत बदलाव आया है। क्या आया बदलाव? नल खुदा है पिछले महीना। पानी की समस्या थी तो अभी आपने हैंडपम्प खुदवाया है, अभी खुदा भर है, अभी वो बना नहीं है, फाउंडेशन वगैरह वो बन जाएगा तो समस्या ठीक हो जाएगी। ये बदलाव कैसे आया? आपने वीडियो बना के ले गई ना, इसीलिए अब कुछ बदलाव आया है। बदलाव लाने में मुझे पूरे 2 साल लगे। मेरा मानना है कि जहाँ पर लोग मिलजुल कर प्रयास करते हैं वहाँ सफलता मिलना संभव हो जाता है। मैं सरोज परस्ते ग्राम बिशनपुरा खंडिया विकास खंड कुंडम जिला जबलपुर मध्य प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए।